अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, आज उसका अनाउंसमेंट लोकसभा में हुआ है और अब इस बात से उम्मीद जाहिर होती है कि अब इस अहम मुद्दे पर सियासत का खात्मा हो जाएगा और अब मज़ीद इस पर कोई पॉलिटिक्स या सियासत नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं कि इस पर अब किसी भी आगे सियासी पार्टी को पॉलिटिक्स हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, अयोध्या में जो प्रस्तावित राम मंदिर है वह पूरे देश की भावना है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और तमाम विवादों का निपटारा किया, तब जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मजहब के हों, उन्होंने स्वागत किया, उसका अर्थ यह है कि पूरा देश चाहता है कि वहाँ मंदिर बने। अब मंदिर के लिए कौन सा ट्रस्ट बनेगा, कैसा ट्रस्ट बनेगा, ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी इच्छा या पूरे देश की इच्छा यह है कि वहाँ एक भव्य दिव्य राम मंदिर बने। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, आज इस ट्रस्ट की घोषणा के बाद उसका रास्ता प्रशस्त हो गया है। माननीय मोदी जी ने इस देश ही नहीं दुनिया के राम भक्तों के मन के अनुकूल शीघ्र ही भव्य राम का मंदिर बने, इसका रास्ता प्रशस्त किया है। पूरे देश ही नहीं दुनिया के पूज्य साधु संत राम भक्त आज मोदी जी के इस काम से आनंदित हैं, अनुग्रहित हैं। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में निर्णय दिया था, जो निर्णय लेने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने लेकर इस देश के हिंदुओं की भावना का एक का स्वागत किया। उस निर्णय का अमल करना ये हमारी सरकार का कर्तव्य होता है, कर्तव्य आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निभाया। उन्होंने आज की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में वो निर्णय ले लिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब राम मंदिर के लिए जो जमीन देनी थी उसकी घोषणा तो हुई, उसके तो सर्वोच्च न्यायालय की थी, उसके लिए जो ट्रस्ट बनाना था उसकी घोषणा हुई। 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने की बात आई उसकी भी घोषणा कर दी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है और उसको तीर्थ क्षेत्र का नाम देकर जो एक ट्रस्ट की घोषणा कर दिया है आदरणीय मोदी जी, वास्तव में उत्तर प्रदेश के तरफ से एक शुभकामनाएं, बधाई, और ये राजनीति से ऊपर है। राजनीति से और पार्टी और दल और क्षेत्र से ऊपर उठकर जिस प्रकार ये निर्णय देश और राष्ट्र और गरीब के हित में हुआ है और एक इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए आदरणीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। अभी कह सकते हैं कि आज चूंकि आप मंदिर निर्माण का एक रास्ता बिल्कुल साफ हो रहा, बहुत जल्दी अब जो इतने